हाय, दिस इज मनीषा सिंह। स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड गुड एंड परीक्षा की तैयारी भी आपकी बहुत अच्छे से चल रही होगी। और आज लेकर आई हूँ आप सभी के बीच एक और जबरदस्त गवर्नमेंट जॉब की अपडेट, जो कि डायरेक्ट निकल के आ रही है झारखंड हाईकोर्ट की तरफ से। दो तरह की पोस्ट पे ये वैकेंसी रहेगी, क्लर्क एंड असिस्टेंट की पोस्ट है। आपको झारखंड के डिफरेंट डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स में जो सिविल कोर्ट है वहां पर सर्व करने का मौका मिलेगा। इसके लिए ऑल इंडिया के कैंडिडेट इलिजिबल रहेंगे, चाहे वो मेल कैंडिडेट हो या फिर फीमेल कैंडिडेट। ये आपका ग्रुप सी का पोस्ट होता है। टोटल पोस्ट यहां पर आप देख पा रहे होंगे 410 सीट्स रहेगा। साथ ही साथ एक्स्ट्रा से आपको 14 सीट सिर्फ फीमेल कैंडिडेट के लिए रिजर्व्ड सीट यहाँ पर रहेगा। चलिए अभी देख लेते हैं कैटेगरी वाइज सीट्स को कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। सबसे पहले देखेंगे मेल कैंडिडेट्स के लिए। जनरल कैंडिडेट के लिए 130, एससी के लिए 158, एसटी के लिए 143, बीसी 1 के लिए 38, बीसी 2 के लिए 14 और ईडब्ल्यूएस के लिए 27, मतलब टोटल 410 हो गया। जो फीमेल रिजर्व सीट है उसमें जनरल के लिए 4 सीटें हैं, एससी के लिए भी 4 सीट है, एसटी के लिए 5 सीट, बीसी 1 के लिए 1 सीट है और बीसी 2 का कोई सीट नहीं है। साथ ही साथ ईडब्ल्यूएस के लिए भी नहीं है, टोटल 14 सीट है। अब बात करें कि 410 सीट के लिए आपका फॉर्म कब से अप्लाई होगा। फ्रेंड्स, 10 अप्रैल यानी कि आपका 2 दिन बाद से ये फॉर्म ऑनलाइन होना स्टार्ट हो जाएगा एंड लास्ट डेट टू अप्लाई 9th of May रहेगा। बट यू डोंट हैव टू वेट फॉर 9th of May, जैसे ही फॉर्म ऑनलाइन हो जल्द से जल्द अप्लाई कर दे, बाद में सर्वर इशू आपको फेस नहीं करना पड़ेगा। चलिए अब देख लेते हैं कि फॉर्म अप्लाई करोगे आप तो फी क्या लिया जाएगा। जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस एंड अदर स्टेट के जो भी कैंडिडेट अप्लाई करेंगे वो सब जनरल में ही काउंट होंगे, तो उनसे लिया जाएगा यहाँ पर 500 रुपीज़। और अदर जो वहाँ के आपको बीसी 1, बीसी 2, एससी, एसटी है, उनसे लिया जाएगा 125 रुपीज़। आई होप यहाँ तक आप सब कुछ समझ गए होंगे। अब आती है मोस्ट इम्पॉर्टेंट एलिजिबिलिटी की बारी, कि एज की लिमिट क्या होगी। सबसे पहले जानते हैं कि किस डेट से आपका एज काउंट होगा। एज ऑन 1st of January 2024, मतलब 1 जनवरी 2024 के अनुसार। देखिए, हर कैटेगरी का मैंने अलग अलग यहाँ पर लिख दिया है। आपको पता है कि अपर एज में रिलैक्सेशन मिलता है। पहले देखते हैं कि एज क्या है। एज आपका 21 वर्ष से 35 वर्ष है जनरल कैंडिडेट और ईडब्ल्यूएस मेल कैंडिडेट के लिए, 21 वर्ष से 37 वर्ष है बीसी 1 और बीसी 2 के लिए, उनको यहाँ पर 2 वर्ष का रिलैक्सेशन दिया जाएगा। साथ ही साथ जो फीमेल कैंडिडेट है जनरल, ईडब्ल्यूएस, बीसी 1 एंड बीसी 2, उनको यहाँ पर 3 वर्ष का रिलैक्सेशन है, मतलब 21 वर्ष से 38 वर्ष। एससी एसटी दोनों ही कैंडिडेट, मेल और फीमेल दोनों को यहाँ पर 5 वर्ष का छूट मिलेगा, 21 वर्ष से 40 वर्ष। एज का भी पोर्शन आप समझ गए होंगे। अब बात की जाए कि इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या रिक्वायर्ड है। सिंपली जिन्होंने ग्रेजुएशन कर रखा है वो सभी बच्चे एलिजिबल रहेंगे, चाहे वो आर्ट्स वाले बच्चे हो, कॉमर्स से हो या फिर साइंस स्ट्रीम से हो। डजंट मैटर व्हाट इज योर परसेंटेज इन ग्रेजुएशन, आपने बैचलर्स डिग्री पास कर लिया है, आप एलिजिबल हो। साथ ही साथ वहाँ पर एक पॉइंट और दिया गया कि आपको कंप्यूटर ऑपरेशन का नॉलेज होना चाहिए, मतलब कंप्यूटर चलाने आना चाहिए, उसकी जानकारी होनी चाहिए। और क्या फ्रेंड्स, आपका यहाँ पर टाइपिंग भी होगा, तो टाइपिंग का भी नॉलेज आपको होना चाहिए। ये सब तो इसके रिगार्डिंग बेसिक जानकारी हो गई। अभी हम लोग देखेंगे कि किन किन स्टेज से गुजरने के बाद आपका यहाँ पर चयन होगा। फ्रेंड्स, आपका यहाँ पर 3 स्टेज से गुजरने के बाद ही सिलेक्शन होता है। एट फर्स्ट स्टेज यू हैव टू क्लियर द रिटन टेस्ट, विच इज 90 मार्क्स का आपका एग्जाम होगा। फिर होगा क्या, कंप्यूटर स्किल टेस्ट, जो कि क्वालिफाइंग होता है, उसमें आपको पास करना ही है। फिर थर्ड स्टेज पर आपका पर्सनल इंटरव्यू होता है 15 मार्क्स का। तो इन तीनों स्टेज को जब आप क्वालिफाई करते हो तो मेरिट लिस्ट में आपका नाम आता है। फिर आपको ऐसा मौका मिलता है कि वहाँ पर झारखंड के सिविल कोर्ट में एज अ क्लर्क एंड असिस्टेंट आप जॉब कर सकते हो। चलिए आगे हम लोग समझ लेते हैं कि फर्स्ट स्टेज पर जो आपका ऑफलाइन एग्जाम होता है उसका क्या पैटर्न होता है। फ्रेंड्स, आपका यहाँ पर 90 नंबर का एग्जाम होता है, समय 2 घंटे का दिया जाता है और निगेटिव मार्किंग के रिगार्डिंग कुछ भी नोटिफिकेशन में क्लियर नहीं किया गया। तो अगर इससे संबंधित कोई अपडेट आएगी तो मैं आपको कन्फर्म करूँगी।
फ्रेंड्स चलिए देख लेते हैं, तीन ग्रुप्स में डिवाइड किया जाता है। 2 घंटे का पेपर है 90 नंबर के लिए और 3 ग्रुप में डिवाइडेड है। ग्रुप 1 में आपका जनरल इंग्लिश, जिसमें कि नॉर्मली इंग्लिश ग्रामर, वर्ड पावर, सिनो एंटो जो भी कुछ होता है वो आपका 20 नंबर के लिए होगा। उसके साथ ही एसे राइटिंग आपका 10 मार्क्स के लिए होगा। फिर होगा क्या, ग्रुप 2। ग्रुप 2 में जनरल नॉलेज का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस रहेगा 30 मार्क्स के लिए। ग्रुप 3 में आपका मैथ्स प्लस रीजनिंग 30 मार्क्स के लिए होगा। सो दिस इज योर ओवरऑल एग्जाम पैटर्न। एंड आपका जो एग्जाम का सेंटर होगा ना, झारखंड में ही होगा, तो ऑल इंडिया के जो भी कैंडिडेट अप्लाई करोगे आपको झारखंड में आके वहां पर ऑफलाइन पेपर देना होगा, ठीक है। फिर जब ये आप क्वालिफाई कर लेते हो, पास हो जाओगे एग्जाम में, तब जाके आपका कंप्यूटर स्किल टेस्ट होता है, क्वालिफाइंग होता है। 100 वर्ड्स का टेस्ट होता है, इसमें आपका एट द रेट 20 वर्ड्स पर मिनट, 20 वर्ड पर मिनट का स्पीड होना चाहिए कम से कम। ये क्वालिफाई करने पे इंटरव्यू 15 मार्क्स के लिए होगा। देन आपका मेरिट लिस्ट में नाम आएगा, फिर आपको झारखंड में अलग अलग सिविल कोर्ट में सर्व करने का मौका मिलेगा। सर्विस दोगे तो कुछ सैलरी भी दी जाती है, आइए मैं बता देती हूँ। इसके लिए जो सैलरी होती है लेवल 4 की होती है। स्टार्टिंग में आपको 25,500 रुपीज दी जाती है आफ्टर पर्क्स अलाउंसेस। अब भाई एक सिविल कोर्ट की नौकरी है तो सैलरी आपका साल दर साल बढ़ेगा, तो 81,100 रुपीज आपकी सैलरी कर दी जाती है। तो ये था आपका कंप्लीट डिटेल्स झारखंड हाई कोर्ट न्यू वैकेंसी के रिगार्डिंग। आई होप आप सब कुछ समझ गए होंगे। अब भी कोई डाउट है, कंफ्यूजन है, तो इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आप डाउनलोड कर सकते हो मेरे टेलीग्राम चैनल पे, मैंने वहां पर अपलोड कर दिया है। आप चाहो तो मुझे मेरे फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो, सबका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइडेड है। और हाँ फ्रेंड्स, अगर वीडियो यूजफुल लगी हो तो एक लाइक जरूर कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करते जाना। साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके आप नोटिफिकेशन बेल ऑल पे सेट करके जाना, ताकि सारी नई नई जॉब अपडेट की वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो मिलूंगी फिर से किसी गवर्नमेंट जॉब के अपडेट के साथ। टिल देन स्टे ट्यून, बाय बाय, टेक केयर।